है जबलपुर के सदर में स्थित प्राचीन काली माई का मंदिर। शारदीय नवरात्र में ये आकर्षण और जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन और वंदन के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित काली माता की प्राचीन प्रतिमा गर्मी में अपने आप निकलने लगती है। माता को पसीना ना निकले इसलिए भक्तों ने मंदिर में बाकायदा एसी लगवा दिए हैं जो हमेशा चालू रहते हैं। इसलिए भक्त जन इन एसी वाली काली माई कहते हैं। मंदिर ट्रस्ट के पंडित शिव चरण दीक्षित के अनुसार काली माता भव्य गोंडवाना साम्राज्य के दौरान स्थापित की गई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्रृंगार के वक्त जब एसी बनते हैं तो माँ की प्रतिमा पर अपने आप पसीने बूंदे उभर आती है। माँ काली 50 साल हो गए यहाँ आते हुए और नवरात्रि में 9 दिन हम पूजे आते हैं। चाहे माता की कृपा से अभी अच्छे हैं, हमारी उम्र हो गई 70 साल। माता की सेवा में अभी भी आते हैं, 9 दिन पूजे आते हैं। लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ पर गोंडवाना राज था और पूरा जंगल इलाका था। यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह रहा करते थे। उसी समय में बंजारों की टीम माँ की प्रतिमा को लेके यहाँ पर आई। विशेषज्ञों के अनुसार माँ काली की प्रतिमा विशेष प्रकार के पत्थर से बनी हुई है। इसमें पसीने जैसी पानी की बूंदे कहाँ से आ जाती हैं यह रहस्य समझ नहीं आता है। हो सकता है कि पत्थर की कोई अपनी खासियत हो लेकिन भक्तों ने इसे माता का चमत्कार मान लिया है। वहीं आर्कियोलॉजी के जानकार बताते हैं कि गर्मी में प्रतिमा पर पसीने जैसी बूंदों का आना हैरान करने वाला है। प्रतिमा पर तैलीय पदार्थों आदि की भी जाँच की गयी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कहा जाता है कि रानी दुर्गावती के शासन काल में माँ शारदा और काली की मूर्ति को बैलगाड़ी पर मंडला से जबलपुर लाया गया था। इन दोनों प्रतिमाओं को मदन महल पहाड़ी पर स्थापित किया जाना था। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के सदर क्षेत्र में। यहाँ पर माता महाकाली का एक मंदिर, विशाल मंदिर बना हुआ है जो कि सिद्ध पीठ है और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं ये भी जानकारी हम लोगों को लगी है कि माता रानी को गर्मियों के दिनों में पसीना निकलता है और जिसके कारण पूरे भक्तों ने यहाँ पर एसी लगवा कर रखा हुआ है। ये लगभग 550 साल पुराना मंदिर है। आइए हम आगे आपको दर्शन कराते हैं ये मंदिर में कि किस तरीके से यहाँ पूरे जबलपुर शहर और अन्य शहरों से लोग आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। और अभी से यहाँ पर लगातार भीड़ बनना चालू हो गई है। सभी लोग देख सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी लोग आतुर हैं और आने वाले समय में यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पाएगी। अभी से आप देख सकते हैं कि शाम का समय है और यहाँ पर किस तरीके से भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से बोलना चाहूंगा माता रानी के दर्शन कराएं समस्त हमारे देखने वालों को कि माता रानी की क्या विशेषता है और देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया गया है। इन 9 दिनों में माता रानी के श्रृंगार अलग अलग तरीके से किया जाएगा और अलग अलग रूपों में माता रानी यहाँ पर दिखेंगी और देख सकते हैं कि फूल और अन्य चीजों से माता रानी का श्रृंगार किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़े ही मनमोहक लग रहा है। रात होने की वजह से बैलगाड़ी चालक ने दोनों प्रतिमाओं को सदर बाजार पर बैलगाड़ी उतार दिया। वह रात्रि विश्राम के लिए घर चला गया। सुबह आकर उसने दोनों प्रतिमाओं को फिर से बैलगाड़ी पर रखने का प्रयास किया। इस दौरान माँ शारदा देवी की प्रतिमा तो उठ गई, लेकिन काली माता की मूर्ति उस स्थान से टस से मस नहीं हुई। लोगों ने खूब प्रयास किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में क्षेत्रीय जनों ने प्रतिमा को यहीं पर स्थापित कराने का निर्णय लिया। उस समय से प्रतिमा यहीं विराजमान है। पहले प्रतिमा पीपल के वृक्ष के नीचे थी, अब वहाँ भव्य मंदिर बन गया है। जबलपुर से केर न्यूज के लिए संवाददाता वीरेंद्र सिंह।